हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक और आप सभी का स्वागत करता हूं माय एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पॉलिटिकल साइंस सब्सिडियरी मॉडल क्वेश्चन बैंक जो बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के द्वारा जारी किया गया है सेशन 2019-22 पार्ट वन एग्ज़ाम के लिए, तो उसी का हम लोग आज आंसर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में, और अभी तक तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन मिल जाएगा। और अभी तक तो हमने फिजिक्स सब्सिडियरी, केमिस्ट्री सब्सिडियरी और MIL हिंदी 100 मार्क्स का कंप्लीट सोल्यूशन करा दिया गया है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो देखिए आज के इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर 200 तक का आंसर करने वाले हैं, और इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 150 तक का आंसर करा दिया है। यदि आप नहीं देखे होंगे तो उन सभी वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 151, आधुनिक उपागम का केंद्रीय विचार क्या है? आधुनिक उपागम का केंद्रीय विचार क्या है? ऑप्शन नंबर अ दिया है, देखिए हम ऑप्शन नंबर ये दिया है, जो ऑप्शन दिया है अ ब स, तो हम ऑप्शन नंबर ABCD करके बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वैज्ञानिक अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी ऐतिहासिक अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी जो है दार्शनिक अध्ययन, और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अ क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक अध्ययन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 152, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीति विज्ञान के अध्ययन का परंपरागत उपागम है? तो कौन सा है आपका संस्थागत उपागम, यानी ऑप्शन नंबर द के यानी डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153, 153, दार्शनिक उपागम के केंद्र में क्या है? दार्शनिक उपागम के केंद्र में क्या है? तो अवधारणा एवं विचार है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यानी कि सौ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154, क्वेश्चन नंबर 154 है कि वैधानिक उपागम द्वारा किसका मुख्यतः अध्ययन होता है? वैधानिक उपागम द्वारा किसका मुख्यतः अध्ययन होता है, किसका होता है? ऑप्शन नंबर अ दिया है कानून, ब संविधान, ऑप्शन नंबर सी यानी कि न्याय टिप्पणी, और डी उपयुक्त सभी, तो किसका होता है? सभी का होता है, इनमें से जो दिया है सभी का होता है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, 154 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155, 155, राजनीति विज्ञान का ऐतिहासिक उपागम विश्व घटनाओं का कैसे विश्लेषण करता है? तो कैसे करता है ऐतिहासिक घटनाओं द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा, 155 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 156, कि डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के कितने बौद्धिक आधार बतलाए हैं? डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के कितने बौद्धिक आधार बताए, तो कितने बताए, आठ, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158, सॉरी 157 को देखिए, 57 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक उपागम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक उपागम है, तो क्या हो जाएगा व्यवस्था उपागम है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 158, व्यवहारवादी कौन है? व्यवहारवादी कौन है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डेविड स्टोन, और बी रॉबर्ट डाहल, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स मरियम, ऑप्शन नंबर डी सभी, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन 159, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक राजनीति के अध्ययन में ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग नहीं करता है? तो क्या हो जाएगा TH ग्रीन, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा TH ग्रीन। अगला क्वेश्चन 160, गांधीवाद का प्रमुख विचार क्या है? गांधीवाद का प्रमुख विचार क्या है, तो क्या हो जाएगा अहिंसा और सॉरी सत्य, और क्या हो जाएगा सत्य और अहिंसा, ऑप्शन नंबर दो राइट आंसर डी क्या हो जाएगा सत्य और अहिंसा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, दोनों और वो दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 161, 161,
देखिए मार्क्सवाद में कौन सी श्रेणी विश्लेषण का केंद्र है, मार्क्सवाद में कौन सी श्रेणी विश्लेषण का केंद्र है, तो कौन सा हो जाएगा वर्ब, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 162, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य किस प्रकार की संस्था है, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य किस प्रकार की संस्था है, तो स्वाभाविक ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 163, मार्क्स के अनुसार समाज हमेशा कितने भागों में बांटा गया है, तो तीन भागों में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 164, मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार पूंजीपति समाज में शासन करने वाला वर्ग कौन सा है, तो कौन सा है बुर्जुआ, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 165, एक मिनट, देखिए क्वेश्चन नंबर 165, मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार पूंजीपति समाज में मजदूर वर्ग क्या है, ऑप्शन नंबर ए सर्वहारा, बी बुर्जुआ, ऑप्शन नंबर सी दोनों और व दोनों और दी सिर्फ ब, तो क्या हो जाएगा 165 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर्वहारा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 165 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 166, क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सी अवधारणा मार्क्सवाद का केंद्र है, तो कौन सा अवधारणा मार्क्सवाद का केंद्र है राज, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा डी राज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 167, समाजवाद किस व्यवस्था को समाप्त करना चाहता है, समाजवाद किस व्यवस्था को समाप्त करना चाहता है, तो पूंजीवाद, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 162 68, समाजवादी राज्य किस प्रकार की समानता में विश्वास रखता है, समाजवादी राज्य किस प्रकार की समानता में विश्वास रखता है, तो क्या हो जाएगा आर्थिक समानता, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। अगला क्वेश्चन 169, कि समाजवादी राज्य में उत्पादन के साधनों पर कौन नियंत्रण रखता है, समाजवादी राज्य में उत्पादन के साधनों पर कौन नियंत्रण रखता है, तो कौन हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 170, 170, संप्रभुता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है, संप्रभुता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है, तो किसका हो जाएगा आपका राज्य का, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 171, संप्रभुता किस प्रकार की अवधारणा है, संप्रभुता किस प्रकार की अवधारणा है, तो सामाजिक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 172, किसने संप्रभुता से राज्य के संपूर्ण तथा सर्वशक्ति के आदेश के रूप में परिभाषित किया है, तो किसने किया है आपका जीन बुद्ध, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 173, क्या बोल रहा है कि संप्रभुता का अद्वैत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, संप्रभुता का अद्वैत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो किसने किया था ऑस्टिन ने, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 174, संप्रभुता का की प्रमुख विशेषता क्या है, तो क्या है व्यापकता है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 175, संप्रभुता की विशिष्ट विशेषता क्या है, संप्रभुता की विशिष्ट विशेषता क्या है वैधता है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा और राइट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 176, संप्रभुता की अनिवार्य विशेषता क्या है, संप्रभुता की अनिवार्य विशेषता क्या है, तो क्या है अनन्यता, स्थायित्व और अविभाजित्व, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सभी उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन 177, कानून का शासन का जोर किस पर है, कानून का शासन का जोर किस पर है, तो किस पर है सरकारी मनमानी नहीं होनी चाहिए, कानून का शासन का जोर किस पर है सरकार मनमानी नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 178, 178, कानून का शासन का क्या अभिप्राय है, कानून का शासन का क्या अभिप्राय है, तो कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 179,
विधि शास्त्र से आप क्या समझते हैं, विधि शास्त्र से क्या समझते हैं, विधि का ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 180, कानून के कौन से दो प्रकार हैं, कानून के कौन से दो प्रकार हैं, निर्देशात्मक और वर्णनात्मक, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, और बहुत दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 181, प्रकृति कानूनों की प्रकृति कैसी है, प्रकृति कानूनों की प्रकृति कैसी है, तो कैसी है, नियामक, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, नियामक। अगला क्वेश्चन 182, डाइसी के अनुसार इनमें से कौन सा एक विधि का शासन का अर्थ नहीं है, डाइसी के अनुसार इनमें से कौन सा एक विधि का शासन का अर्थ नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, बृहत स्वविवेकीय शक्ति, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 183, देखिए क्या बोल रहा है कि डायसी के द्वारा कौन सी व्यवस्था की आलोचना की गई है, डायसी के द्वारा कौन सी व्यवस्था की आलोचना की गई है, तो क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी वैधानिक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 184, किस देश ने सर्वप्रथम विधि का शासन अपनाया, किस देश ने सर्वप्रथम विधि का शासन अपनाया, तो ब्रिटेन ने, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 185, लोकतंत्र में कानून सरकार के किस अंग द्वारा बनाया जाता है, लोकतंत्र में कानून सरकार के किस अंग में बनाया जाता है, क्या हो जाएगा, कार्यपालिका, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 186, स्वतंत्रता के उपभोग के लिए किसका समाज में होना अनिवार्य है, तो किसका होना अनिवार्य है, न्याय का, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 187 की ओर बढ़ते हैं, 187, कौन सी दो अवधारणाएं आपस में जुड़ी हुई है, कौन सी दो अवधारणाएं आपस में जुड़ी हुई है, तो कौन सा हो जाएगा, स्वतंत्रता और समानता, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 188, मार्क्स के लेखन में अधिसूचना के अंतर्गत कौन से संगठन आते हैं, मार्क्स के लेखन में अधिसूचना के अंतर्गत कौन से संगठन आते हैं, तो कौन सा आता है, सरकार भी आता है, परिवार और धर्म, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 189, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, तो फ्रेडरिक एगेंस और कार्ल मार्क्स दोनों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और वो दोनों, फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स दोनों के द्वारा। अगला क्वेश्चन 190, 190, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित की गई, तो 1848 से प्रकाशित की गई, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 191, मार्क्सवादी निम्नांकित में से किस विचारधारा का विरोधी है, मार्क्सवादी निम्नांकित में से किस विचारधारा का विरोधी है, तो किसका है, पूंजीवाद का, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 192, कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्तमान राज्य डैश है, कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्तमान राज्य डैश क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वर्तमान राज क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 193 की ओर बढ़ रहे, क्वेश्चन नंबर 193, मार्क्सवाद के अनुसार राज्य किस प्रकार का संगठन है, तो किस प्रकार का संगठन है, विकासात्मक, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 194, 194, कार्ल मार्क्स है डैश है, तो कार्ल मार्क्स क्या है, तो आपका ये हो जाएगा समाजवादी विचारक, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 195, हॉरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया, किसने किया था, गांधी जी ने किया था, 95 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 196, यह परिभाषा किसने दी, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, तो किसने दिया था, अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 197, दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, कौन सा है, भारत, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 198, भारत में मतदान उम्र क्या है, तो आप सभी पता होगा कि 18 वर्ष है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 199, दुनिया में दो प्रकार के लोकतंत्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से हो जाएगा, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200, लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषता है, लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषता है,
उत्तरदायित्व, वैधता और स्वतंत्र उचित चुनाव। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम यहीं तक।